बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कोंटा पब्लिशर। माई सेल्फ निमरांजम एंड टुडे आवर डिस्कशन क्वेश्चन इज व्हाई आर सनराइजेज एंड सनसेट्स ऑफन ऑरेंज और रेड, के तुलुए आफ्ताब और तुलुए ग्रुप में सुर्ख और नारंगी क्यों दिखाई देता हमें। ठीक है, आज का मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि तुलुए आफ्ताब मीन्स के सुबह के टाइम और शाम के टाइम जो है हमें सूरज जो है वो सुर्ख और नारंगी कलर का क्यों दिखाई देता है। आज के इस क्वेश्चन को के आंसर को देखने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं जिनका हमें पता होना चाहिए कि किन वजूहात की बिना पर जो है वो हमारे पास सूरज जो है वो हमें सुर्ख और नारंगी कलर का दिखाई देता है। ठीक है, हमें पता है कि जब हम खला में जाकर अगर सूरज को देखें तो हमें किस कलर का दिखाई देगा कि वो वाइट कलर का दिखाई देगा। असल में होता ऐसे ही है कि सूरज का जो असल रंग है वो वाइट ही होता है, लेकिन दिन के मुख्तलिफ अवकात में है जो हमें सूरज है वो मीन्स के सुबह के टाइम या शाम के टाइम जो है वो सूरज का जो कलर है वो डिफरेंट दिखाई देता है। मीन्स सुबह के टाइम वो हमें सुर्ख दिखाई देता है, शाम के टाइम वो हमें पीला दिखाई देता है इस तरह, और किसी टाइम वो नारंगी दिखाई देता है। इसलिए वो इनके जो मीन्स के जो कलर है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि हमें पता है कि सूरज जो है वो सेवन कलर से मिलकर बनता है। ठीक है, उनमें सेवन कलर्स कौन से आ जाते हैं, रेड आ जाता है, ऑरेंज आ जाता है, येलो आ जाता है, ग्रीन आ जाता है, ब्लू आ जाता है, वॉयलेट आ जाता है, इंडिगो आ जाता है। ठीक है, इन कलर्स को हम कैसे भी देख सकते हैं, आप लोगों ने अक्सर बारिश होने के बाद देखा होगा कि कौसे कज़ाब बनती है आसमान पर जिसे हम रेनबो बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये आप लोगों ने देखी होगी, तो इनमें भी हमें सात कलर्स नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो रेड है, ऑरेंज है, येलो है, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो लॉन्ग होती है, जबकि ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट और इंडिगो है इनकी वेवलेंथ जो होती है वो शॉर्ट होती है। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहते हैं कि जब भी कोई चीज़ जो है वो अर्थ से ज़मीन के एटमोसफेयर में आती है तो वो हमें पता है कि हमें ये बात जहन में होनी चाहिए कि जब कोई भी चीज़ सन से अर्थ के एटमोसफेयर में आती है तो वो खला में हमारे पास एयर भी पाई जाती है, हवा भी होती है। हवा में क्या होती हैं, गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। गैसेस में कौन सी गैसेस आ जाती हैं, नाइट्रोजन आ जाती है, ऑक्सीजन आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। ठीक है, और जब भी कोई चीज़ सन से ज़मीन के एटमोसफेयर में आती है तो वो इन सब डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस वगैरह से टकरा कर ही ज़मीन के एटमोसफेयर पर आती है। ठीक है, उसके बाद हम इसके आंसर को देख लेते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या है। वो कहते हैं कि इन द इवनिंग एंड अर्ली मॉर्निंग एज द सन राइजेज लोअर ऑन द हॉरिजन द सन द लाइट द सन इमिट्स हैज टू पास थ्रू द एटमोसफेयर बिफोर रीचिंग अस, अनलाइक ड्यूरिंग मिड डे when the route between the earth and the sun is less because the sun's distance traveling through the atmosphere is greater for daylight in the morning and evening hours than in the midday. More of the shorter wavelength are scattered from the direct light coming from the sun. ठीक है, वो यही कहना चाह रहे हैं कि जब सन से रोशनी जो है वो ज़मीन पर आती है तो वो डायरेक्टली नहीं आ जाती, वो ज़मीन के एटमॉस्फेयर पर डायरेक्टली नहीं आ जाती, बल्कि वो मींस के हवा के मॉलिक्यूल से, गैसेस से, डस्ट पार्टिकल से टकरा कर ही ज़मीन के एटमॉस्फेयर पर आती है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि हमें पता है कि सुबह और शाम के टाइम जो है हमारे पास जो सुबह और शाम के टाइम जो है वो हमारे पास हॉरिजन में होती है। ठीक है, सुबह और शाम के टाइम हमारे पास हॉरिजन होता है, तो हमारे पास हॉरिजन में होने की वजह से इसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, जिसकी वजह से है हमारे पास जिन पार्टिकल्स की वेवलेंथ शॉर्ट होती है वो तो हमें पता है कि वो मींस के वो हवा के पार्टिकल से टकरा कर बिखर जाते हैं, और जबकि जो हमारे पास जिनकी वेवलेंथ लॉन्ग होती है जैसा कि हमारे पास रेड हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, तो ये जब हवा के पार्टिकल से टकराते हैं तो ये मींस कि ये गुजर जाते हैं, बिखरते नहीं हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि सनराइजेज और सनसेट में है जो हमारे पास जो सूरज है उसका रंग जो है वो या तो सुर्ख दिखाई देता है या फिर हमें ऑरेंज दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मिड डे की, मींस दोपहर के टाइम जो हमारे पास सूरज होता है वो बिल्कुल हमारे सर पर होता है, जिसकी वजह से हम इसे वेवलेंथ भी मींस कि इसकी वेवलेंथ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, डिस्टेंस भी कम कवर करना होता है, जिसकी वजह से हमें जो होते हैं कि सेवन के सेवन कलर जो हैं उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती, तो वो डायरेक्टली ज़मीन के एटमोसफेयर पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जब ये हमारे सातों के सातों कलर ज़मीन के एटमोसफेयर पर हमारे हम पर पड़ते हैं तो हमें जो है हमें जो सूरज का रंग है वो हमें बिल्कुल वाइट दिखाई देता है। मींस के सुबह और शाम के टाइम सूरज का रंग सुर्ख और नारंगी दिखाई देता है, जबकि दिन के टाइम दोपहर के टाइम जो है वो हमें सूरज का रंग जो है वो वाइट दिखाई देता है। ठीक है, आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो।